रेडी मेड बनने के बाद क्या करना है? सिस्टम पता है ना? हाँ, टीम बनानी होती है, लोगों को जोड़ना होता है, सिखाना होता है और अपना काम बढ़िया रखना होता है, जिम्मेदार बनना होता है। और 10 लोगों की अगर आपकी टीम बनती है और आप अच्छी तरह से काम करते हो, आपकी टीम अच्छा काम करती है, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है और कुछ दिन के बाद आपको आप जहाँ चाहो वहाँ पे आपका ऑफिस खोल के कंपनी देती है। फिर आपका डायरेक्ट दिल्ली से कंपनी का लिंक होता है, कंपनी आपको सामान देगी अच्छे अच्छे। आगे हम लोग के पास और किताबें और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी आने वाले हैं, जिससे कोरोना खत्म हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा तो कंपनी और भी चीज़ों पे लेके आएगी। तो कंपनी का टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर शहर में हम लोग के मैनेजर हो। लेकिन हम मैनेजर बनाने के लिए कंपनी क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग में एक टारगेट देती है कि आप आओ, आप ज्वाइन करो, आपका कोई फीस पैसा नहीं लगेगा, सारी कंपनी हेल्प करेगी और आप जैसे 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 ग्रोथ करोगे आप मैनेजर और आगे आप प्रमोटिंग मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट सब बन सकते हो। जैसे मैं देखो, मैं इस काम को 18-20 साल से कर रहा हूँ, देवी सर भी बहुत साल से कर रहे हैं, मैं वाइस चेयरमैन बन गया हूँ, ये बनने वाले हैं, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग का टारगेट है कि हम लोग किसी भी बंदे को मिस ना करें। लेकिन अब क्योंकि ये तो कंपनी का टारगेट है, अब तुम्हारा अपना भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, कि आप डिसिप्लिन से रहो, आप जो सिखाया जाए उसको सीखो, आप मेहनत करो, आप बोर मत हो। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि एक आदमी कुछ दिन काम करता है फिर कुछ दिन काम हो जाता है, कुछ दिन करता है कुछ दिन काम होता है। बहुत 99% लोग जो फेल होते हैं ना लाइफ में, वो इसलिए नहीं फेल होते कि उनका टैलेंट नहीं होता या वो मेहनती नहीं होते, वो ना बीच में भटक जाते हैं, समय बर्बाद कर देते हैं, जो भी समय उन्होंने लगाया होता है। जैसे उनके साथ ऐसा है कि किसी बैंक में पैसा जमा करेंगे ना, फिर वो शहर बदल के चले जाएंगे, बैंक का पैसा भी निकालेंगे, फिर दूसरे शहर में जाएंगे, दूसरी जगह बैंक में पैसा जमा करेंगे, फिर वो भी शहर छोड़ के चले जाएंगे। तो कुछ मेहनत यहाँ, कुछ मेहनत वहाँ, कुछ मेहनत वहाँ, कुछ मेहनत वहाँ, उससे क्या होता है कि मेहनत तो पूरी होगी लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो किसने नहीं लिया? खुद ही नहीं लिया। इसलिए जरूरी है कि सही से मेहनत की जाए और हर चीज़ को समझा जाए। जो हम लोग कल भी मीटिंग कर रहे थे तो हम लोग इस बात को समझ कह रहे थे कि सिस्टम को, जो सिस्टम हम लोग के 4 फैक्टर 8 स्टेप 5 स्टेप्स है, इनको याद भी करना है, इनको समझना भी है और इनको क्या करना है, फॉलो करना है। तीनों चीज़ें करनी है, सिर्फ डायरी में नहीं लिख रहे थे कुछ होगा, मतलब वो डायरी में आपने नोट कर लिया और आपको 8 स्टेप नहीं आता। 8 स्टेप आता सबको? पहला पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या होता होगा? आपको आपका एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अच्छी तरह से डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, ये सब ग्रेट एटीट्यूड है।